नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। अभी कुछ देर पहले जो विद्यानगर का एक मंदिर है उसका मामला काफ़ी दिनों से बहुत ही गर्माया हुआ है। विद्यानगर के जो निवासी हैं वो तो उस मंदिर पर आरोप लगा रहे हैं और मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो भक्त हैं, वो विद्यानगर निवासियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप कितने सच कितने गलत, ये कार्रवाई करना तो प्रशासन का काम है। मगर आज जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, पुजारी हैं, वो सभी भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर गए। वहाँ पर मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद धर्मवीर सिंह ने उनसे न तो कोई बात की और अवैध व्यवहार किया उनके साथ। जो महिला गई थी उनको भी अवैध व्यवहार किया गया और उनको बोला गया कि आप यहाँ से निकल जाओ। ये सभी आरोप जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो पुजारी हैं, वो सांसद जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद है धर्मवीर सिंह, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैंने बता दिया, तुम चलो यार। हमारा अपराध तो बताओ, क्या किया क्या है। बिल्कुल उनके साथ फुलन तोड़ को। अच्छी बात है, जब बात है लेकिन दिक्कत तो बताओ। मेंबर पार्लियामेंट देखो, जनप्रतिनिधि आप हमारे इन सब के वीडियो बना रही है। तो हम भी तो जन चले जाएंगे, कोई ऐसी बात ना, हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, कोई ऐसी बात। अरे अपमान नहीं करना चाहिए, हमारा मैटर तो सुन लो, आप अपनी बहुत तो सुन लो। भाई एक तरफा सुन रखा जी, आपने सुनो तो सही। आपका कर्तव्य है, आप बैठे हो, आपका जनता ऐसे तो वे हैं वैसे ही हम हैं। ना 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 भाई, गलत है, गलत है। एमपी साहब से मिलने के लिए आए थे, पूरा मामला क्या है और एमपी साहब ने क्या जवाब दिया है? ये मैं सुशीला, हमने जैसे ही उनसे कहा कि हम मंदिर मिलने किस लिए आए थे, हम विद्यानगर में जो मंदिर माता छतेश्वरी का मंदिर है उसके विषय में बात करना चाह रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ में मंदिर से साथ जो पड़ोसी हैं वो हमारे पे गंदे से गंदे इंजाम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में हम अपना पक्ष इनके सामने रखना चाह रहे थे, क्योंकि वो भी आए थे कल इनके पास। तो इन्होंने एक टुक जवाब दिया, मैं नहीं सुनता तुम्हारी, मुझे वोटों की जरूरत नहीं, क्यों बदना, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। इतनी गंदी तरह से इनने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया कि हम कुछ कह नहीं सकते। इस ये मंत्री है क्या? नहीं, तो अगर आपको पक्ष रखना तो आप कानून का सहारा लो, इनके पास क्यों आए भाई, आप कानून का सहारा। जनप्रतिनिधि है भाई, देखो हमने इनको वोट दी, जितवाया तो हमारा भी तो पक्ष सुनने का इनका अधिकार है या नहीं है। हम किसके ऐसा है जी, कोर्ट में भी जाएंगे, हम अधिकारियों के पास भी जाएंगे, पर पहले हमारा दायित्व बनता है जनप्रतिनिधि के पास जाएं हम। अब जनप्रतिनिधि सभी का है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सभी मेंबर्स का जनप्रतिनिधि है धर्मवीर जी, तो धर्मवीर जी पर इतना अधिकार हमारा है, इतना है उनका है। दोनों पक्षों की बात सुन के एक पंचायती रूप लेके इसको एक अमन चैन में करें जो है। हम तो ये दरखास्त लेके इनके पास आए थे, पर इन्होंने ऐसा हमारे साथ एक एमपी होने के नाते ऐसा दुर्व्यवहार किया, अक भाई कोठी से बाहर निकल जाओ, जल्दी से कोठी से बाहर निकल जाओ। हमने हाथ भी जोड़े, मगा जी एक मिनट हमारी बात तो सुन लो आप, जो है माता सतेश्वरी मंदिर है एक हिंदू के लिए, बीजेपी जो है पूरे देश के अंदर बीजेपी मंदिर पर मंदिर बनवा रही है, राम मंदिर अयोध्या बन रहा है, अरे यहाँ जो है भिवानी के अंदर जो है मंदिर को मेंबर पार्लियामेंट ही बीजेपी का उखाड़ने लग रहा है जो है। धन्यवाद साथियों।
इस तरीके से इनका पेश आना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मैं नहीं ठीक समझती। बिना दोनों पक्ष की बात जाने बिना ये ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते अपने आप से कि मैं उन्हीं की साइड हूँ या मैं उन्हीं के पक्ष में हूँ। बिल्कुल ये साफ आप लगा है उन्हीं की सुनो। हमने हाथ जोड़ से इनसे दरख्वास्त की, हमने रिक्वेस्ट पेश करी कि सर प्लीज़ आप 5 मिनट का समय हमें दीजिए और आप हमारी कम से कम बात रखने का हमें मौका तो दीजिए। इस तरीके से मंत्री होने के नाते इनको शोभा नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि इनको मंत्री बनने का कोई ये डिजर्व करते हैं ये चेयर को। तो मैडम जी मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है वहाँ के निवासियों को उस मंदिर से? अरे हमारे पे गलत गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जिस प्रकार के ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और इतना गंदा व्यवहार करे जाते हैं, दारू पी के शराब पी के गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं हमें, माँ बहन की गालियाँ देते हैं वो लोग, इतनी गंदे तरीके से पेश आते हैं और फिर ऊपर से एलिगेशंस गंदे गंदे लगाते हैं कि मंदिर में पता नहीं क्या से क्या होता है। और जिसमें कि आप लोग खुद से, हम लोगों ने हर किसी को, पुलिस वाले भी आए हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी भी आई थी अभी हमारी लास्ट नवरात्रि में, उन्होंने भी पूरा परिसर में पूरे मंदिर में पूरा देख कर आए, पुलिस वालों को तक हमने दिखाया है। वो ऐसा इस प्रकार का कोई भी वहाँ पे कोई काम नहीं होता तो पर फिर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो आप इस मामले में एक बार पुलिस प्रशासन से मिले? हाँ जी बिल्कुल मिले। प्रशासन का कैसा रवैया रहा? पुलिस प्रशासन का उनका हमारे पास आना, उन्होंने बोला कि हम खुद से तहकीकात करेंगे, हम लोग खुद चेकिंग करेंगे। हम लोगों ने उनको पूरा दिखाया मंदिर अच्छे से, उनके खुद सेटिस्फेक्शन थी कि नहीं इस प्रकार का कोई भी इस तरीके से कोई गलत काम नहीं होता यहाँ पे। पर फिर भी आसपास के जो जनता है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको एलिगेशन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं राम जाने किस तरह के एलिगेशन, और इतने गंदे दुर्व्यवहार करते हैं हमारे साथ, बहुत ही मिसबिहेव किया जाता है और हम लोगों को आते जाते को गाली दे देते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं और फिर एलिगेशंस लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी रिक्वेस्ट लेके इनके पास आए थे एक उम्मीद के साथ कि एटलीस्ट कम से कम हम इनके साथ अपनी बात को पेश करेंगे तो ये सुनेंगे। हम लोग उससे नहीं आए थे कि हमारा पक्ष लेंगे, पर इनका जो बिहेव था कि निकलिए यहाँ से। और आप सुनिए, आप किसी के अपेयरेंस को लेके, किसी के लुक्स को लेके आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है बोलने का। ये कौन सा तरीका होता है? अरे ओ दिलबाग होगा यहाँ पा, चल निकल यहाँ से। अरे ओ डैडी मास्टर, फोन मास्टर, चल निकल यहाँ से। ये क्या शोभा देता है इनको? हमें नहीं चाहिए वोट, हाथ जोड़ के हम तो उन्हीं की साइड है, आप निकलिए यहाँ से, हमें आपके कोई वोट की जरूरत नहीं। वो साफ कह रहे थे कि मैं तो उन्हीं की सुनूंगा और उन्हीं की साइड हूँ, मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनता। साफ उन्होंने बोला निकलो यहाँ से। ये किसने मंत्री बनाया भाई? पड़ोसी हैं जो हर रोज दारू पीते हैं, रात को गंदे से गंदे काम होते हैं वहाँ पे। अब मंदिर की प्रोग्रेस को देख के, ठीक है, वो कह रहे कि मंदिर का कुछ पैसा हमें देते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पैसा चाहिए इनको, पैसा चाहिए उनको, और कोई दिक्कत नहीं उनको मंदिर से। कहाँ से लाए भैया पैसा? ठीक है, अगर ये मंत्री हैं तो जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, जिनको ये मिसबिहेव कर रहे हैं, दिलबाग होगा, चल अपने घर में होगा, चल दाढ़ी मास्टर, वो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, भीम बॉडी है, जिस तरीके से वो उनसे पेश आ रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? और एक बात बताइए, नारियों को, महिलाओं के धक्के मार के कौन निकालता है? एक बात बताइए, इनको किसने अधिकार दिया हमें छूने का? किसने अधिकार दे रखा है महिलाओं को टच करने का? हम इनके अगेंस्ट फिर इसके लिए भी कार्रवाई करना चाहेंगे।